भारत रेसिंग टिप्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू भारत रेसिंग टिप्स। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया मैसूर रेस टिप्स 8 रेस कार्ड से। सो स्टार्ट करते हैं रेस बाय रेस प्रीव्यू। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये सिलेक्शंस आपके लिए हेल्पफुल है एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक यू। भारत रेसिंग टिप्स रिलेट करता है हॉर्स रेसिंग सिलेक्शंस और बायोग्राफी ऑफ द सक्सेस पीपल इन टर्म्स ऑफ ट्रेनर, ऑनर एंड जॉकी। ये दो चीज़ से रिलेट करता है, एक सिलेक्शंस के लिए एंड बायोग्राफी। भारत रेसिंग टिप्स करेंटली अभी कवर कर रहा है इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूके, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्वीडन, कनाडा, मॉरिशियस एंड मलेशिया रेसिंग सेंटर को डेली बेसिस पर। रेस में भारत रेसिंग टिप्स 3 चॉइस देता है इन फॉर्म ऑफ विन, प्लेस एंड ईच वे। भारत रेसिंग टिप्स का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सेल्स के लिए। अगर किसी को भी चाहिए तो आप हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं +91993998955। ये भारत रेसिंग टिप्स के सॉफ्टवेयर का एक लुक है जिसके अंतर्गत अभी हम इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका रेसिंग सेंटर को कवर कर रहे हैं, जिसका सक्सेस रेशियो है 92% इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शंस। लास्ट 5 मिनट का सिलेक्शंस के बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर का सक्सेस रेशियो है 92-92%। बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल इंडियन सेंटर के जितने भी इंडिया के सेंटर है आप उसका लाइव स्ट्रीम, लाइव रेस इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर डे 3 सेंटर हम लोग कवर करते हैं, यूके पर डे 2 सेंटर कवर करते हैं एंड साउथ अफ्रीका पर डे ऑल सेंटर कवर किया जाता है। इसका बेनिफिट्स में क्या है, लाइव टिप्स मिलता है 5 मिनट पहले, लाइव ऑड्स, लाइव रिजल्ट्स, ट्रैक वर्क एंड मीडिया टिप्स। अगर किसी को भी चाहिए हमारे भारत रेसिंग टिप्स का सॉफ्टवेयर तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेस। इससे पहले इसको रीड करने का 3 तरीका है। पहला रूल्स है। पहला रूल्स क्या कहता है, अगर ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस मिनिमम 10% या 10% से ज़्यादा हो और नीचे के दो घोड़े का जो डिफरेंस होता है वो मिनिमम 10% से कम हो, उस कंडीशन में आप ऊपर वाले को विन खेल सकते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अगर ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस मिनिमम 10% या 10% से ज़्यादा हो, सेम कंडीशन, नीचे के दो घोड़े का जो डिफरेंस है वो भी मिनिमम 10% या 10% से ज़्यादा हो, उस कंडीशन पे आप सबसे ऊपर वाले को विन खेल सकते हैं या सबसे नीचे वाले को प्लेस। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर ऊपर के दो घोड़े का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 10% से कम हो और नीचे के दो घोड़े का जो डिफरेंस है ना वो मिनिमम 10% से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में आप बीच वन, सेकेंड वन जो बीच का है उसको प्लेस खेल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेस मैसूर। फर्स्ट रेस में हमने 3 चॉइस दिया हुआ है, 2 38%, 6 35%, 7 27%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए लेस देन 10% है, 38 माइनस 35 इक्वल टू 3, 3% का डिफरेंस है। अगर वहीं नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं वो भी लेस देन 10% है, 35 माइनस 27, यहाँ देखिए 8% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है यह रेस ओपन फील्ड है, क्योंकि ना तो ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस मिनिमम 10% या 10% से ज़्यादा है और ना ही नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस। इस कंडीशन में यह रेस ओपन फील्ड है, तो ओपन फील्ड रेस में हमारा सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 2 एज ए ईच वे प्रोस्पेक्ट विथ 38% पर्सनल रेटिंग के साथ, नंबर 6 जो है प्लेस के लिए प्रेफर करता है 35% पर्सनल रेटिंग के साथ, और नंबर 7 जो है प्लेस के लिए प्रेफर करता है 27% पर्सनल रेटिंग के साथ। सेकेंड रेस 8 46%, 13 30%, 3 24%। अगर ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं, देखिए मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा है, 46 माइनस 30 इक्वल टू 16, 16% का डिफरेंस है। अगर वहीं हम नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए वो लेस देन 10% है,
30-24=6, 6% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 8 विन के लिए है 46-46% पर्सनल रेटिंग के साथ ही 16% डिफरेंट भी है, विन के लिए प्रेफर करता है। नंबर 13 प्लेस के लिए प्रेफर करता है 30% पर्सनल रेटिंग के साथ, और नंबर 3 प्लेस के लिए प्रेफर करता है 24% पर्सनल रेटिंग के साथ। थर्ड रेस 6 47%, 1 29%, 8 24%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं, देखिए मोर देन 10% है, 10% से ज़्यादा है। 47-29 18% का डिफरेंस है। अगर वही नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं, देखिए लेस देन 10% है, 29-24=5% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 6 विन के लिए 18% डिफरेंस के साथ पर्सनल रेटिंग 47% है, नंबर 1 जो है 29% पर्सनल रेटिंग के साथ प्लेस के लिए प्रेफर है, और नंबर 8 जो है 24% पर्सनल रेटिंग के साथ प्लेस के लिए प्रेफर है। गाइज इस रेस में एक बात और नोट करने वाली है, ये जो 18% का जो डिफरेंस है वो आज के दिन में हाईएस्ट डिफरेंस है इंक्लूडिंग 8 रेस कार्ड्स में, इसलिए हमने इसको नैप रखा हुआ है, बेस्ट बेट ऑफ द डे। थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हमारा सिलेक्शन लिए रियली आप लोग के लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि इस तरह का कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारा समय विद हार्ड वर्क लगता है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू। दिल्ली बिग रेस रनर वाज एक्सपेक्टेड टू बी इन बोर्ड, दिल्ली का जो हम सिलेक्शंस अवेलेबल नहीं करा पाते हैं क्योंकि वहाँ के ऑर्ड्स का कुछ गारंटी नहीं है। एक सेकेंड में 5 रुपीज़ का ऑर्डर आएगा, 1 सेकेंड में 40 पैसा का, तो इट्स इससे बेहतर है कि वो सेंटर ही छोड़ दिया जाए। रेस 4 3-38%, 2-32%, 6-30%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे देखिए लेस देन 10% है, 10% कम है। 38-32=6% का डिफरेंस है। अगर वहीं नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं वो भी लेस देन 10% है, 32-30=2, 2% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 3 एज ए इचवे प्रोस्पेक्ट में 38% पर्सनल रेटिंग के साथ, नंबर 2 जो है वो प्लेस के लिए प्रेफर करता है 32% पर्सनल रेटिंग के साथ, और नंबर 6 जो है वो प्लेस के लिए प्रेफर करता है 30% पर्सनल रेटिंग के साथ। रेस 5 8-38%, 4-33%, 7-29%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए लेस देन 10% है, 10% से कम है। 38-33=5, 5% का डिफरेंस है। अगर वहीं नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं वो भी लेस देन 10% है, 33-29, 4% का डिफरेंस है यहाँ पे। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है यह रेस भी ओपन फील्ड है। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 8 एज ईच वे प्रोस्पेक्ट विथ 38% पर्सनल रेटिंग के साथ, नंबर 4 प्लेस के लिए 33% पर्सनल रेटिंग के साथ, और नंबर 7 प्लेस 29% पर्सनल रेटिंग के साथ। 6-31% 40%, 6-37%, 3-23%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए लेस देन 10% है, 40-37=3, 3% का डिफरेंस है। बट वहीं अगर नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए मोर देन 10% है, 10% से ज़्यादा है, 14% का डिफरेंस है। 37-23, 14% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 1 एज ए ईच वे प्रोस्पेक्ट विथ 40% पर्सनल रेटिंग के साथ, नंबर 6 प्लेस के लिए प्रेफर करता है 37% पर्सनल रेटिंग के साथ विथ 14-14% डिफरेंट भी है, और नंबर 3 जो है प्लेस के लिए प्रेफर करता है 23% पर्सनल रेटिंग के साथ। गाइज किसी भी तरह के इंक्वायरी के लिए बिग रेस रनर के लिए आप हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं +91-99-399-88-955। थैंक यू। रेस 7 5-41%, 6-37%, 2-22%।
अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं, देखिए लेस देन 10% है, 41 - 37 = 4% का डिफरेंस है। बट वहीं नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं वो मोर देन 10% है, 10% से ज़्यादा है, 15% का डिफरेंस है। 37 - 22 = 15% 15% का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 5 एज ए इच वे प्रोस्पेक्ट विथ 41% पर्सनल रेटिंग के साथ, नंबर 6 प्लेस के लिए प्रेफर करता है 37% पर्सनल रेटिंग प्लस 15% डिफरेंट के साथ, और नंबर 2 जो है प्लेस के लिए प्रेफर करता है 22% पर्सनल रेटिंग के साथ। लास्ट रेस 13 41% 14 31% 2 28%। अगर हम ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए एग्जैक्ट 10% है, 10% है, 41 - 31 = 10। बाय मिस्टेक यहाँ मेंशन है ईच वे, बट यहाँ विन होना चाहिए। तो 13 जो है ऊपर के दो घोड़े का डिफरेंस 41 - 31 = 10, 10% का डिफरेंस एग्जैक्ट, बट नीचे के दो घोड़े का डिफरेंस जो है लेस देन 10% है, 31 - 21 = 3%। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम कहता है नंबर 13 फॉर विन विद 41% पर्सनल रेटिंग के साथ 10% डिफरेंट, नंबर 14 प्लेस के लिए 31% पर्सनल रेटिंग के साथ, और नंबर 2 जो है प्लेस के लिए 28% पर्सनल रेटिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर हमारा सिलेक्शंस आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।